की आंखें कैसी खुल गई बर्गर फ्रेंच फ्राइज और हमदान बर्गर फ्राइज हमदान की फेवरेट हमदान को जंक फूड या मैं कहूँ इस तरह की फास्ट फूड बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाते हैं। और हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच में हमने क्या खाया था, आवाज़ कम करो उसकी, छोले चावल। और अब हम लोग जो है डिनर में बनाने जा रहे हैं बर्गर एंड फ्राई। और फैमिली के साथ हम इसकी क्या करेंगे, रेसिपी शेयर। हाँ तो चले ये तो चले फैमिली साथ साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम, शुरू हो गई है वीडियो हमारी, अभी मुझे पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर हाजिर हूँ अपने दोस्त शशको के साथ। तो जनाब शशके जो है कुछ इस तरह के हैं कि हम लोग लंच कर चुके हैं और लंच का टाइम ओवर हो गया है और अब डिनर का मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। मैंने बच्चों से पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, तो एज़ यूजुअल बच्चों की उल्टी सीधी फरमाइश होती है। लेकिन खैर इन्होंने ये काफ़ी टाइम पहले से मुझे कहा हुआ था कि मम्मा प्लीज़ बीफ बर्गर बना दें, बर्गर फ्राइज़ बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतने दिन से कह रहे हैं, चलो आज इनकी ये विश भी पूरी कर देते हैं हम। तो फिर चलते हैं किचन में और देखें कि मैं और आगे क्या क्या करने वाली हूँ। ये सब देखने के लिए मेरे साथ साथ रहें, रेसिपी भी चाहिए तो मेरे साथ रहें और मज़ीद देखना है कि क्या कर रहे हैं हम। तो जनाब मैं हाजिर हूँ अपने किचन में रेसिपी के साथ। बीफ बर्गर बन रहा है बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर बीफ बर्गर बनना। या मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, ये मेरा फ्रोज़न हुआ हुआ था, ठीक है, इसको डिफ्रोज कर दिया मैंने, तभी ये इसका कलर आपको चेंज लग रहा होगा। अगर ये फ्रेश होता तो ये रेडिश होता, ठीक है। इसमें मैंने चार चीज़ें ऑलरेडी शामिल कर दी हैं, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया को मैंने चॉप कर लिया था, वो भी शामिल कर दिया मैंने इसमें, और नमक शामिल कर दिया है। मैं इससे पहले रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो अब मैंने खैर शामिल कर दिया, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है मैंने, वो मैंने शामिल कर दिया, नमक डाल दिया, ठीक है। अब हम मसाला जात और सॉसेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैं एग यूज़ कर रही हूँ, एक एग चाहिए। इसकी हम लोग जो है जर्दी इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेदी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सफ़ेदी डालने से वो वाला रिजल्ट नहीं आता है जो आना चाहिए, जर्दी का ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, वीडियो जो है ब्लर हो गई है, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। आपके पास जो भी मौजूद हो, घर के मौजूद बने हुए हैं तो घर के ले लीजिएगा। हो गए, सॉसेस की तरफ आ जाते हैं। चिली सॉस ले लिया है मैंने, सोया सॉस ले लिया है, वर्सेस सॉस ले लिया अगर है तो सही है। खैर वैसे अमूमन हमारे घरों में मौजूद होता है ये, अब नॉन वाले हर घर में मौजूद होता है। तो ये वर्सेस सॉस हो गया हमारा। मसाले हैं, काली मिर्च है हमारे पास, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये चिकन पाउडर है, ये मेरे पास थाइम है और ये मेरे ख्याल से अब तो अमूमन सबके घरों में होगी, और ये मेरे पास है पार्सले, ठीक है। तो सामान समझ में आ गया होगा होप, पार्सले, थाइम और चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इनमें से अगर एक भी चीज़ है तो डाल दें, ठीक है। मेरे पास तीनों चीज़ें थी तो मैं तीनों चीज़ें शामिल कर रही हूँ। इनसे काफ़ी अथेंटिक सा टेस्ट आता है, जो हम बीफ बर्गर जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या फिर अमेरिकन बर्गर के नाम से जो हम लोग खाते हैं, तो ये पार्सले और थाइम वगैरह डालने से ना उसमें वो अथेंटिक सा टेस्ट आ जाता है। तो अरे बहुत बोल दिया अपनी चीज़ें बताते, होपफुली कि सामान आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करती हूँ और वापस आती हूँ, जब तक के लिए मेरे साथ। अब मैंने जो है बर्गर पेटी हमारी बना ली है और इतने सिक्कीमे से ये 8 बर्गर पेटी आराम से बन गई है और कोई ये पतली शतली नहीं है, मोटी है, सही है। और आप खैर ये तो आपके ऊपर अपनी मर्जी है कि आप इसको बिल्कुल स्मच करना चाहते हैं तो वो कर दें, आप चाहे तो इसको थोड़ा जितना आप खाते हैं पसंद है आपको थिक कर लें, थिन कर लें, ठीक है। शामिल कर दी थी, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूंगी ताकि ये और मज़ीद सही हो जाए, फिर दैन मैं जो है इसको फ्राई करूंगी। खैर अगर प्रोसीजर बता, जब तक हमारे जो है बर्गर पेटी है वो थोड़ी सी सेटल डाउन होती है, तब तक मैंने सोचा कि सॉस जो बना रही हूँ, बर्गर सॉस जो होता है हमारा, अभी बीफ बर्गर सॉस जो होता है मैंने कहा वो बना रही हूँ मैं। अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक हमारी बर्गर पेटी जो है वो सेटल डाउन होती है तब तक हम लोग ये सॉस बना लेंगे। सॉस के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। या मैंने जो है लहसुन पाउडर ले लिया है, आपके पास अगर पाउडर नहीं है तो फिर आप पिसा हुआ जो लहसुन होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मायोनीज़ है, चिली गार्लिक सॉस है हमारा यहाँ पर मैंने जो है टबाको सॉस ले लिया है, जो भी आपके किसी भी कंपनी का हो भी ले सकते हैं, विनेगर ले लिया है, मस्टर्ड सॉस ले लिया है और काली मिर्च है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ खीरे हैं जिनको मैंने कुछ देर पहले ही सिरके, खीरे और प्याज थोड़ा सा लिया है, प्याज भी आप देख रहे हैं कितना सही लिया है मैंने, प्याज और खीरों को मैंने सिरके में डाल के रख दिया था। बच्चों ने अभी फरमाइश की तो मैंने ये अभी किया, वरना अगर मुझे मेरा प्लान होता है कि मैं कल बनाऊंगी बर्गर तो मैं ये एक दिन पहले ही सिरके में डाल के रख देती हूँ, तो ये थोड़े पिकल और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो खैर ये अभी हो तो गए होंगे लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं देंगे जो एक दिन पहले का देते हैं, सही है। तो कभी आप लोग बर्गर बनाने का प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं ये वाला सॉस बनाना, तो उनके लिए ये खीरा और प्याज
प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो जस्ट खीरे को भी सिरके में एक दिन पहले या रात में थोड़ा सिरका लगा के रख दें ताकि सुबह तक या दिन अगले दिन तक ये अच्छे से पिकल्ड हो जाए। ठीक है, खैर अब ये सॉस की मैं सारी तैयारी करती हूँ मेरे साथ। तो जनाब सॉस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मायोनीज, ठीक है, मायोनीज डाल रही हूँ, इतनी ही डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। जितने आप बर्गर बना रहे हैं, या आपको पता है कि आपकी फैमिली बर्गर के साथ भी खाती है, बर्गर में भी खाती है और बर्गर के भी साथ खाती है, तो आप अपने हिसाब से लेंगे ना। केचप और चिली गार्लिक सॉस ये मैंने ले लिया है। अब मैं चिली गार्लिक सॉस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लेन केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। तो फिर अब ये मैंने अदरक पाउडर ले लिया है, सॉरी लहसुन पाउडर, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो है लहसुन पाउडर जो है वो थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे। आपको पता है चिली गार्लिक में ऑलरेडी गार्लिक का टेस्ट होता है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। मस्टर्ड सॉस वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे, इसको शेक करने पहले। मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दिया है, ठीक है, तब आपको सॉस डाल देंगे इसमें, इसको भी आप शेक कर लें। ठीक है ना, इसमें ये डालेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैं इसमें पार्सले भी शामिल करती हूँ और ओरिगानो भी करती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। अभी मैं पार्सले डाल रही हूँ खाली, ओरिगानो है मेरे पास लेकिन अभी मैं वो वाला टेस्ट नहीं चाह रही, अभी मैं थोड़ा ऑथेंटिक वाला टेस्ट चाह रही हूँ, तो मैं जस्ट पार्सले डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, काली मिर्च डाल दी, टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हर चीज़ लेनी है आपको, सही है। अब हम इसमें जो मैंने ये पिकल करके इनको चॉप कर लिया है, ठीक है, रफली सा चॉप कर लिया। आप इसको अगर बारीक खाना चाहते, इसमें ही सिरका मौजूद है, थोड़ा सा सिरका और मैं मज़ीद इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा, अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा, अगर आप खट्टा मीठा टेस्ट चाहें तो आप इसमें चीनी शामिल कर लें, और अगर आप नहीं चाहते, जिनको नहीं पसंद, तो वो ना डालें। मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं। मज़ेदार सा सॉस, ये सॉस रेडी हो गया। और अब हम जो है कैरमल अनियंस करेंगे, ठीक है, अनियंस को कैरमल करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, मैंने नॉर्मली प्याज को स्लाइस कर लिया है, ठीक है, सिंपली प्याज है जिसको मैंने नॉर्मली स्लाइस कर लिया है। अब मैंने अपना फ्राई पैन रख दिया है, इसमें मैं जो है बटर डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी हो आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बटर शामिल हो गया है, एक मिनट ऐसे कर देती हूँ, और इसमें मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसको जस्ट फ्राई भी नहीं करना ना कुछ करना, बस सौते करना है हल्का हल्का सा। आप अगर नॉर्मली ऑयल में भी करना चाहते हैं तो हल्का सा, वैसे इसमें हल्का सा ही ऑयल जाएगा, आप हल्के से ऑयल में ही, नॉर्मली जो ऑयल होता है उसमें। अब इसमें जो है आपके पास अगर ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर शामिल कर दें, रेड गुड, अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो मेरे पास अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, तो मैं इसमें हल्की सी चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। वैसे अगर इसको कैरमल करना है तो फिर चीनी तो डालेगी ही। हमारी कैरमल हो गई है प्याज, ठीक है, बस अब इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, ये ठंडी होगी तो फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे, और देन फिर हम इसको असेंबलिंग में यूज़ करेंगे, जब हम पिज़्ज़ा और बर्गर की असेंबलिंग करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कैसे बोल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, लाइट फ्लेम रखना है, तेज़ नहीं रखना है, तेज़ पे फिर ये जल्दी हो जाएगा ना, स्लो फ्लेम पर, जितना स्लो फ्लेम पर रखेंगे। तो आप हर साइड को, एक साइड को आप 5 से 6 मिनट बनाएंगे, पकाएंगे, क्योंकि फ्लेम स्लो है, और ये अब रेडी होते हैं तो फिर मैं वापस आती हूँ। बस इनको जो है हमें बनाना है, अब ये नीचे की फ्राई हो जाएगा साइड, तो फिर मैं ऊपर वाला करूँगी। तब तक के लिए सॉस और फ्राई। अब हमारे स्मज बीफ बर्गर जो है, पेटी जो है, वो रेडी हो गई है। अब मैंने ये स्लाइस चीज लिया है, एक तरफ से एक टोटली बन चुकी है, दैन ये दूसरी तरफ से बनने वाली, मैंने रख दिया टूट गई, बताइए तो निकालते निकालते। बस अब ये रेडी है, अब मैं इसको असेंबल करूँगी ना, तो मेरे साथ साथ रहे। तो जनाब अब हम लोग जो है बर्गर को असेंबल करेंगे, मायोनीज ले ली है मैंने, दोनों तरफ लगाएंगे। ठीक है, और गार्लिक सॉस, मुझे बहुत पसंद है ये सलाद पत्ते कह लें इनको, या फिर इंग्लिश बोलो, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये हमारी बर्गर पैटी, मारूस आ जाएंगे, कैरमल प्याज जाएगा इसका टेस्ट है, देन हमारा स्पेशल सॉस जा रहा है। और हमारे पैरी पैरी फ्राइज भी जो है वो रेडी हो गए, मैंने इसको बड़े बर्तन में दे लिया, और मैंने ये पैरी पैरी जो ये एक मसाला कम हूँ मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और ये अब हर उस पर मिल जाता है आराम से आपको,
वेरी वेरी जो है स्पार्कल के नाम से, और ये आप फ्राइज पे डाल के खाएं या फिश पे डाल के खाएं, फ्राइड जितनी भी चीज़ होती है उन सब पे आप डाल के खा सकते हैं, ये बहुत ही लगता है। तो खैर मैं इसकी फाइनल शक्ल के साथ आती हूँ। लेते हैं जी, बताएंगे कुछ आप? सीरियसली दिखाओ। अरुष आप कुछ बताएंगी? अभी खा रहे हैं, क्या मतलब है? आप रिव्यू नहीं दे रही? चले आप खाएं। लेकिन हमने हमदान से रिव्यू लिया है, क्या है कैसा? हमदान से बोला ही नहीं जा रहा। हाँ ये देखें आप, थैंक यू। ये देखें आप बर्गर, देखें ना आप, ये देखें सही है, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला है, हैं हमदान? यमी था तो ये क्या किया है, क्या किया है ये? हिलता रहता है। अच्छा आपको कंट्रोल करना नहीं आया, और आपने ये ना हेल्दी चीजें निकाल दी सारी, ये खाते हैं वाय। आरुष ने कहा, आरुष को इतना अच्छा लगा है सिर्फ उसकी जो है बर्गर पेटी निकाल के बैठी है, क्योंकि कह रही थी वो बर्गर से निकल गई थी। हाँ ये बर्गर खाने में मेरे ख्याल से मसले होते ही हैं, बहुत कम ही हैं बच्चे खुद से हैंडल नहीं कर पाते। खैर हमदान पता नहीं क्या मूवी लगा के बैठे हैं, और हमदान कल असिस्मेंट है क्या? अनसा हाई साइन। और तैयारी पक्की है आपकी? पक्की शक्की है? तो आप कितने नंबर्स लाएंगे? आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ फुल आउट ऑफ फुल। सही, देखते हैं। फैमिली देख रही है, फैमिली के सामने आप बोल रहे हो, ये हैं ले आओगे? अच्छा लो जी, कुछ बोले क्या लगा दिए? जनाब हाजिर हूँ अपनी फाइनल सर्विंग के साथ, और हमारी फाइनल सर्विंग कुछ इस तरह की है, पेरी पेरी फ्राइज और ये हमारा बर्गर। इसको मैंने कट, एक को मैंने कट कर दिया ताकि मैं आपको अंदर से इसकी समथिंग दिखा सकूं, और देखेंगे कितना जूसी और यमी है। सही है, और एक जो है वो हमारा मैंने ऐसे ही रख दिया है, अभी हम इसको सर्व करूँगी या शाम को तो फिर इसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। और ये हमारा वही वाला सॉस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी है। तब तक के लिए मुझे मेरे साथ साथ रहें। तो जनाब मेरा किचन सिमट गया, सिर्फ ये देखती सुबह अपनी हेल्पर के लिए रखी है मैंने, और यहाँ मैंने शाम के लिए और अपने लिए कहवा बना रही हूँ। शाम को थोड़ा फ्लू फील हो रहा है तो इस वजह से आज शाम पी रहे हैं। मैंने अदरक इसमें डाली है, और इसमें दालचीनी का डाल दिया है, इलायची डाल दी है मैंने। मैं वैसे तो मैं खुद ही डेली बेसिस पे पीती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ये चीज़ है, शाम शेयर कर रहे हैं कि ये कहवा है शाम पी रहे हैं। मैं फ्लू के लिए नहीं पीती हूँ, मैं जस्ट वैसे ही पीती हूँ, क्योंकि कहते हैं इस तरह के जो कहवे होते हैं वो, इस वजह से मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ। रात पे भी पी लेती हूँ, कभी शाम में पी लेती हूँ, जब मेरा दिल करता है तब मैं पी लेती हूँ, और लेकिन आज मेरे साथ शाम पी रहे हैं। तो इसमें जस्ट मैंने अदरक के ये पीस डाले हैं, और इलायची है और दालचीनी है। इससे बहुत से फ़ायदे हैं इसके पीने के, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपका वेट लॉस होता है, आपको डिप्रेशन नहीं होता है, एनजाइटी नहीं होती है, और नींद अच्छी आती है, फ्लू नहीं होता है, डाइजेशन जल्दी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं यार, बहुत सी है, कोई एक इसका एक कोई वो नहीं है मैं बोलूँ कोई एक वजह हो या एक रीज़न हो, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं पीने के और फ़ायदे हैं। आप लोग भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐशाम फ्लू की वजह से पी रहे हैं, इसमें अदरक है वो फ्लू के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो खैर साथ साथ रहें, मैं उनको भी देती हूँ, मेरे साथ रहें। तो कावे जा रहे हैं, ये मेरा है और ये शाम का, और अब ये चलता है क्योंकि आज शाम को गरम गरम ही पीना चाहिए, उनको नज़ला हो रहा है, दैट्स व्हाई। आज शाम अपनी मूवी भी इंजॉय कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, और बच्चे जो हैं वो लेट गए, अल्लाह तो ब्लर क्यों हो जाता है, हाँ नेटफ्लिक्स पे, और टाइम हो रहा है, देख लिया, देखो पार्टियों, देखो देखो कितनी खिदमत गुजार बीवी हूँ मैं। ये नेटफ्लिक्स पे चल रही है, तो मूवी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, साथ में कैवे, और शाम को शहर डलवाना है, तो फिर अब मैं शहर डाल देती हूँ इसमें। हमारे पास, मेरे पास ओरिजिनल तो नहीं है, शायद यही वाला है यार, हम क्या करें, कोई देख रहा है किसी के पास हो तो प्लीज़ भेज दो कोई ओरिजिनल शहद भेज दो यार, तरस गए ओरिजिनल शहद खाने को। तो खैर इसका तो खैर फ़ायदा ही नहीं लगता मुझे, ऐसे ही लगता है बस टेस्ट चेंज करने के लिए।
लेकिन फ़ायदेमंद तो आपको पता है, जैसी बात है हमारी ऑर्गेनिक हनी ही होगी। कोई भेज दो, देख रहा है तो किसी के पास हो, किसी के पास हो तो भेज दो। खैर अब फिर से चलते हैं शाम के पास। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, वही बात है ना, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो तो शायद डाल भी दूँ मैं। चल मुझे मूवी देखने दे, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी चल रही है नेटफ्लिक्स पे। गरम है ये, गरम। तो जी जनाब हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज के शशक यानी आज का व्लॉग आप लोगों को मज़ेदार सा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग था, डेली जो हम लोग करते हैं वही था, और उम्मीद है पसंद आया होगा। और शाम को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि शाम की जो है ना वो तबीयत सही नहीं है, उनको नज़ला थोड़ा फील हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, और वजह से मैंने उनको नहीं लिया है। खैर बहुत बोल लिया मैंने, रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी है, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। ख़त्म करने लगी हूँ व्लॉग, ख़त्म करने से पहले जो दो चीज़ें करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एक दुआ करती हूँ, रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये फैमिली और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा इस इधर हमारे जो है फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड हों। और जो लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो जल्दी से जाएं मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। मेरी इंस्टा आईडी है @hijra26, मेरी इंस्टा आईडी है @hijra26। जाएं जल्दी से मेरी ये फैमिली, वहाँ भी मुझे ज़रा इंक्रेज कर दे और ज़रा बढ़ा दे यार, फॉलो कर ले। खैर और दुआ, दूसरी चीज़ यही है जो एक दुआ है जो हमेशा आप लोगों के साथ रहने वाली है जब तक मैं हूँ, कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ज़िंदगियों में बहुत 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 ज़्यादा खुश रखें, आबाद रखें, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, आपके रिस्क में इजाफा करें। यही दुआ आप लोग मेरे लिए किया करें, मेरी फैमिली के लिए किया करें। तो बस नेटफ्लिक्स की मूवी के साथ, कावे के साथ, कावा भी दिखा दूँ के साथ साथ एक छोटा सा अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी और जल्द मुलाकात करूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए एक छोटा अल्लाह हाफिज़।